कैसे जन्म लेता है, कब भ्रूण माता के गर्भ में जीवित प्राणी बन जाता है, आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है, भ्रूण जब तीसरे से पांचवें माह का होता है तभी उसमें जीवन शक्ति आती है, ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं, आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। आत्मा में संचित विशेषताओं और अनुभूतियों के आधार पर शरीर के डीएनए तथा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उंगलियों के निशान तथा अंगों की बनावट भी आत्मा के कर्मों के प्रभावों के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, मैं आत्मा ही अपने शरीर की बनावट का निर्धारण अपने विचारों, मनस्थिति और कर्मों के द्वारा करती हूँ। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जबकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाते हैं, जिन्हें जांच के बाद सत्य पाया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि अबोध बालक बिना किसी कारण रोते हैं या हंसते हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां ही इसका कारण होती हैं। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? एक जीवित व्यक्ति कैसे मृत शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती, जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है।